हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज ना मैं बचे हुए चावल से एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनाने वाली हूँ जिसको ना आप बच्चों के टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हो और ख़ुद भी एंजॉय कर पाओगे ब्रेकफास्ट में और लंच में। और आज के बाद आप कभी भी बचे हुए चावल को फेंकोगे नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो ये रहे दोस्तों मेरे बचे हुए चावल। मैंने यहाँ पे बासमती चावल ही ली है। आप जो भी चावल ले रहे हो ना, मतलब कि जो भी चावल खाते हो वो ही ले लेना। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ अंडे, दो अंडे ले रही हूँ मैं। आप चाहो तो एक अंडे से भी बना सकते हो या फिर अंडे के बिना भी बना सकते हो। अगर आप अंडे नहीं खाते हो तो उसको बिना भी बना लेना। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम अंडे के ऊपर और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे के साथ नमक अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए और उसके बाद इसको हम सीधा ले चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ले लेंगे तेल। दो मैंने यहाँ पे बड़े चम्मच जितना तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगी इसमें हम डाल देंगे ये अंडे को और हाई फ्लेम पर हम इसका भुर्जी बना लेंगे। और आज की जो ये रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ ना दोस्तों, ये ना कढ़ाई में ही अच्छी बनेगी। मतलब कि ये एल्युमिनियम का जो कढ़ाई होती है ना, नीचे से थोड़ी सी दबी हुई, उसमें ये ज़्यादा अच्छी बनती है फ्लैट कढ़ाई से। आप कोई भी चाइनीज़ जो डिश होती है ना, उसको भी इसी कढ़ाई में बनाना तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है फ्लैट कढ़ाई से। तो इसको हम अच्छे से भुर्जी बना लेंगे। जब तक ये अंडा अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती है तब तक हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। फिर सेम कढ़ाई में हम दो बड़े चम्मच जितना तेल गरम कर लेंगे और उसमें ले लेंगे आलू। आलू यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की ली है और इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। थोड़े से नमक और हल्दी पाउडर भी डाल देंगे ताकि आलू के अंदर भी नमक चली जाए। और आलू को ना हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक आलू अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाती है और अच्छे से फ्राई भी हो जाती है। तो इसलिए ना हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही आलू फ्राई हो जाती है उसी तेल में हम डाल देंगे एक बड़े चम्मच जितना बारीक कटी हुई लहसुन और एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। और सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है और इसको भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। प्याज डालने के बाद ना फ्लेम को कर देना है हाई पे। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भून लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें और टमाटर। टमाटर के मैंने बीज निकाल के फेंक दिए हैं, आप चाहो तो बीज के समेत ही डाल सकते हो। कैप्सिकम हो घर में तो वो भी आप डाल देना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल दी है। और जैसे ही हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये फ्राई करके रखी हुई आलू और अंडे को। सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा मिला लेंगे मीडियम फ्लेम पर। आपके घर में कोई भी सब्ज़ी पड़ी हो तो आप ना इसमें डाल सकते हो। थोड़ा सा टोमेटो केचप और थोड़ी सी विनीगर मैंने यहाँ पे डाल दी है। आप चाहो तो थोड़े से नींबू का रस भी डाल सकते हो विनीगर की जगह पे। सारे चीज़ों को हम मिला लेंगे लो फ्लेम पे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये चावल को। और चावल के साथ थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डाल देते हैं, क्योंकि चावल उबालते वक्त नमक तो हम नहीं डालते हैं ना, बस हम जब फ्राइड राइस बनाते हैं या फिर बिरयानी बनाते हैं तभी डालते हैं। लेकिन ये तो बची कुची चावल है, इसमें नमक नहीं होता है, तो थोड़ा सा नमक डाल देना याद से। सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और बस इसमें और कुछ नहीं डालनी है दोस्तों। गर्मा गर्म इसको सर्व करना, बड़ा मज़ा आएगा। गर्मा गर्म ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बना के ना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले ये लेफ्ट ओवर फ्राइड राइस कैसे बने हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ में आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।